अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं रेडमी नोट 7 का किलर तो नहीं बोलूँगा लेकिन रेडमी नोट 7 के बराबर का है फ़ोन जो कि शाओमी ने रिसेंटली लॉन्च किया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और वो है मेरे पास शाओमी का मी 8 लाइट। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस वीडियो में गिव अवे भी है और मिस मत कीजिएगा गिव अवे। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे किसी पाकिस्तानी भाई का मेरे चैनल पर गिव अवे निकलता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं मेरी तरफ, लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी, इस तरह का मिल जाता है MI 8 लाइट का बॉक्स। ऊपर 8 लाइट मेंशन है, यहाँ मेंशन है MI और MI 8 लाइट ग्लोबल वेरिएंट है तो यहाँ वारंटी कार्ड है और यहाँ कुछ मेंशन है MI 8 लाइट अरोरा ब्लू कलर और साथ 4GB रैम और 64GB रोम का है वेरिएंट। और यहाँ पर है स्पेसिफिकेशन, 24 मेगापिक्सल है सेल्फी कैमरा और यहाँ पर मेंशन है इसका रियर कैमरा जो कि है 12+5 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा विद 1.4 माइक्रोन पिक्सल। और यहाँ स्क्रीन है इसकी 6.26 की फुल HD प्लस 19:9 रेशो, स्नैपड्रैगन 660 2.2 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 14 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर मिलता है। तो यहाँ हम रैपर को कट कर लेते हैं तो इस तरह का मिल जाता है। स्मार्ट लिंक की वारंटी में हमें कार्ड जो कि ऑफिशियली पाकिस्तान में यहाँ पर पीटीएस से अप्रूव करके फ़ोन मंगवाते हैं। और यहाँ फ़ोन को हम कर लेते हैं बाहर बॉक्स से। ओके जी, यहाँ अनबॉक्स हो चुका है बॉक्स और सबसे ऊपर हमें यहाँ देखने को मिल जाता है एक सिलिकॉन कवर जो कि तकरीबन अब हर ही फ़ोन में देखने को मिल जाता है यहाँ पर हमें। और यहाँ आ चुका है सिलिकॉन कवर बाहर और इस तरह की मिल जाती हैं कुछ मैनुअल बुक आपको। सिलिकॉन की क्वालिटी यहाँ देख लेते हैं तो यहाँ क्वालिटी कुछ पहले वाली जैसी ही है सिलिकॉन की। और आपको बताते चलें कि यहाँ पर आपको एक डोंगल मिल जाती है टाइप सी की कनेक्टिविटी की, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर आपको कोई हैंड्स फ्री जैक देखने को नहीं मिलता। और यहाँ आपको एक सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है कुछ इस तरह का, यह है इसका सिम इजेक्टर टूल। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ फ़ोन को बॉक्स से बाहर निकाल के। तो यहाँ फ़ोन को फ़ोन से हमने बॉक्स से बाहर निकाल लिया है और चार्जर आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर। जो केबल है वो है टाइप सी की कनेक्टिविटी 3.0 वाली और यहाँ आपको देखने को मिलता है चार्जर। और चार्जर की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो अनबॉक्स करते ही 2 एम्पीयर और 5 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है। अब हम फ़ोन को यहाँ पर ले लेते हैं हाथ में और यहाँ कुछ इस तरह की है ब्रांडिंग। कैमरा भी प्रोटेक्ट किया हुआ है रियर साइड पर, मी का लोगो है, काफ़ी खूबसूरत कलर है यहाँ पर। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम यहाँ पढ़ लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ AI बेस्ड कैमरा है फ्रंट साइड का, 24 मेगापिक्सल AI पोर्ट्रेट और सीन डिटेक्शन वाला 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल AI डुअल कैमरा है रियर साइड पर विद 1.4 माइक्रोन पिक्सल साइज, 6.26 का इंचेस है फुल HD प्लस 19:9 रेशो और क्वालकॉम 6 स्नैपड्रैगन 660 का इस्तेमाल किया गया, 14 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर। तो यहाँ रैपर को हम उतार लेते हैं और फ़ोन को करते हैं ऑन। ओके जी, फ़ोन एक्टिवेट हो चुका है और इस तरह का कुछ मिल जाता है पैटर्न। यहाँ अनबॉक्स करते ही हमें जो स्पेसिफिकेशन यहाँ इस फ़ोन में देखने को मिलेगी वो कुछ यूँ होगी। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एंड्रॉयड वर्जन 8.1.0 ओरियो अनबॉक्स करते ही देखने को मिलेगा। और यहाँ आपको MIUI की जो कस्टम स्किन है वो 10.0 की ग्लोबल स्टेबल रोम देखने को मिल रही है। यहाँ पर CPU है जैसा कि पहले ही बताया 2.2 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन 660 वाला, 4GB रैम और 64GB का रोम वेरिएंट है यहाँ पर। और यहाँ बैटरी जो इस्तेमाल की गई है वो 3340 mAh की। आप थोड़ी सी बॉडी डायमेंशंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ कैमरा का बैक कवर भी उतार लेते हैं और यहाँ इसको भी कुछ उतार लेते हैं। ओके जी, यहाँ आपको मिलती है ग्लास बिल्ड क्वालिटी, मी का लोगो मिलता है, कलर्स काफ़ी खूबसूरत है और आप ब्लू कलर है। फिंगरप्रिंट स्कैनर की पोजीशन आपको देखने को मिलती है। यहाँ आपको दो कैमरा देखने को मिलते हैं, एक है 12 मेगापिक्सल का और एक है 5 मेगापिक्सल का। LED लाइट आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ जो फ्रेम है वो कुछ एल्युमिनियम टाइप का है, यहाँ पर एल्युमिनियम फ्रेम्ड है। यहाँ आपको मिल जाती है एक वॉल्यूम रॉकर की और ऑन ऑफ की देखने को। नीचे की साइड पर आपको दो स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है, टाइप सी की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, एंटेना बैंड्स देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर।
और यहाँ इस साइड पर आपको देखने को मिल जाती है सिम, और यहाँ मैं सिम इजेक्टर टूल से आपको सिम का भी बता देता हूँ कि ये सिम हाइब्रिड सिम स्लॉट है, यहाँ है डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट के साथ। तो यहाँ कुछ आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाती है, मीन्स कि आप चार दो इसमें दो सिम इस्तेमाल कर सकते हैं या चला सकते हैं, एक सिम एक मेमोरी कार्ड। और यहाँ ऊपर की साइड पर आपको देखने को मिल जाता है एक एक्सटर्नल माइक और एंटाना बैंड्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ आपको मिलता है 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, और यहाँ रखी गई है स्पीकर ग्रिल, और फ्रंट साइड पर किसी भी किस्म की फ्लैश लाइट की यहाँ पर ऑप्शन नहीं रखी गई। 6.26 इंचज़ का आपको फुल HD प्लस वाला ये रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। चिन थोड़ी सी मैं कहूँगा यहाँ पर बड़ी है, लेकिन यहाँ अगर इसको वाइट स्क्रीन करके दिखाते हैं तो बेजल्स काफ़ी थिन है और बड़ी प्रीमियम सी लुक आ रही है। यहाँ ब्राइटनेस को अगर हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं तो कलर्स भी यहाँ पर हो जाते हैं खूबसूरत। तो यहाँ हम अब देखते हैं इसके कैमरा की बात करते हैं, तो यहाँ कैमरा के ऑप्शंस में आपको यहाँ बहुत सारे ऐसे मोड हैं जो देखने को मिलेंगे। शॉर्ट वीडियो को मोड देखने को मिल जाता है, वीडियो को मोड देखने को मिल जाता है, और साथ ही आपको देखने को मिलता है फोटोज़, पोर्ट्रेट और स्केयर और पैनोरामा का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मैनुअल के ऊपर आप जाके ISO लेवल वगैरह सेट कर सकते हैं खुद भी। तो यहाँ ऊपर की साइड पर आपको AI का ऑप्शन देखने को मिलता है रियर साइड के कैमरा में। यहाँ इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ वीडियो कैमरा की बात कर लेते हैं, तो हमें वीडियो कैमरा में यहाँ पर जो ऑप्शंस देखने को मिलती हैं वो है जी टाइम लैप्स और स्लो मोशन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ सेटिंग में जाके वीडियो की हम चेक कर लेते हैं, यहाँ वीडियो क्वालिटी हमें मिल जाती है जी 4K की वीडियो भी यहाँ पर UHD 4K 30 FPS पर रिकॉर्डिंग कर सकता है, 1080p 30 FPS पर, 1080p 60 FPS पर और 720p 30 FPS पर भी रिकॉर्डिंग कर सकता है। यहाँ दोस्तों यहाँ फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात कर लें, तो यहाँ फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो काम कुछ करता है बहुत ज़्यादा तेज़ इस फ़ोन का, और यहाँ आपको अनलॉक जस्ट नैनो सेकंड में ही होता हुआ नज़र आएगा फ़ोन। अब बात कर लेते हैं कुछ कैमरा की, तो यहाँ कुछ कैमरा सैंपल्स हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग के पहले मैं प्ले कर देता हूँ। इसके बारे में बात करें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मिरर लाइट कैसा काम कर रहा है। अब हम थोड़ा सा रियर कैमरा की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, फ्रंट साइड के कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं MI 8। अच्छे हैं यहाँ पर, और रियर साइड का अगर हम एक्सपोजर की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन ये अनबॉक्सिंग की वीडियो है, लेकिन जब प्रॉपर रिव्यू एक कैमरा का आएगा तब आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर कितनी वर्थ है। इसके फ्रंट कैमरा में 24 मेगापिक्सल का, यहाँ 24 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिलता है फ्रंट साइड पर। मुझे तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रंट साइड की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगी। यहाँ रियर साइड की वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर लेते हैं, तो यहाँ रियर साइड पर आपको इस तरह का मिल जाता है, काफ़ी स्टेबल मिलते हैं आपको यहाँ पर इसके जो इमेजेस हैं। पिक्सल का यहाँ डायनेमिक रेंज काफ़ी बेहतर है, और यहाँ थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन भी आपको अंदाजा हो जाएगी क्या मिल रही है। ओवरऑल कैमरा रिव्यू में आपको पता लग जाएगा। थोड़ी सी फोकस की अगर बात कर लें तो यहाँ हम फोकस करके देख लेते हैं, यहाँ हम फोकस करते हैं और यहाँ फोन फौरन ही लोग फोकस को जो लॉकआउट कर लेता है, तो यार कैमरा कैटेगरी में शोमी हमेशा बहुत ही जबरदस्त रहा है। यहाँ फोकसिंग इस फोन की मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी। अब पिक्चर्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो यहाँ ये पिक्चर मैंने ली है सेल्फी ब्यूटी मोड ऑन करके, और आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ मुझे उसने काफ़ी खूबसूरत बना दिया यहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा काम किया है यहाँ पर ब्यूटी मोड पर। और यहाँ अगर मैं बात करूँ पोर्ट्रेट वाली पिक्चर की, तो ये पिक्चर मैंने ली है पोर्ट्रेट से, काफ़ी ज़्यादा एज डिटेक्शन पर काम किया है शोमी ने, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पर ये देखें आप मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छे डिटेक्ट किए इसने। तो यहाँ फ्रंट कैमरा में पोर्ट्रेट बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, और रियर कैमरा की बात करें तो ये सिंपल पिक्चर मैंने कैप्चर की रही है रियर कैमरा से, और यहाँ पर ये मैंने कैप्चर की है पोर्ट्रेट मोड पर। तो रियर में ऑब्जेक्ट के हिसाब से पोर्ट्रेट मोड बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, लेकिन यहाँ रियर में ये एक सिंपल पिक्चर है, ये है सिंपल पिक्चर, काफ़ी ज़बरदस्त कलर निकला है। लेकिन रियर कैमरा में जब आप जैसा कि मैं हूँ एक इंसान को फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ मिरर लाइट में थोड़ा सा मुझे यहाँ पर वार्म टोन मिली, जैसा कि कलर्स यहाँ पर फेड कर चुका है, और थोड़ा सा एच का भी मुझे रियर कैमरा में थोड़ा सा फील हुआ। लेकिन हो सकता है अपडेट के साथ ये चीज़ को सॉल्व कर दिया जाए। पोर्ट्रेट में रियर कैमरा में मुझे ज़बरदस्त नहीं मिली यहाँ पर कोई भी ऐसा कलर्स। और ओके जी, ये थी अनबॉक्सिंग मिरर लाइट की, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी लग रही है मुझे यहाँ पर, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आई होगी। और कैमरा की बात करूँ तो कैमरा भी इस फ़ोन का बहुत ज़्यादा बेहतर है, बड़ा इंप्रूव करके दिया है यहाँ पर। लेकिन ओवरऑल आपको कैमरा रिव्यू मिल जाएगा, और अगर आप इस फ़ोन को करना चाह रहे हैं कंपेरिजन किसी भी फ़ोन के साथ, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि एज सून एज पॉसिबल किस फ़ोन के साथ इस फ़ोन को किया जाए कंपेयर। और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको थोड़ी सी अनबॉक्सिंग ये पसंद आएगी। अब बात कर लेते हैं गिव अवे की, तो मी का पावर बैंक है गिव अवे, और
और गिव अवे के लिए आपको एज यूजुअली करना कुछ भी नहीं है, नीचे सिर्फ एक कमेंट करना है। और सिंगल कमेंट कीजिएगा या डुअल कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि जो कमेंट पिकर है वो यहाँ पर रैंडमली जो करता है, जो यूनिक कमेंट है वो एक एक कमेंट उठाता है, जो दो कमेंट करने वाले हैं उनको आउट कर देता है। तो एक कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे, इस वीडियो के नीचे, और कमेंट आपने करना ये है कि मी एट लाइट आपको कैसा लगा और क्या इसमें बेहतरी हो सकती थी, या ये नोट 7 का किलर हो सकता है कि नहीं। तो मुझे रहेगा आपका इंतज़ार कमेंट का, और गिव अवे हम करेंगे यहाँ पर 50K सब्सक्राइबर पर जाकर, यहाँ पर पावर बैंक का करेंगे गिव अवे, और जैसे ही 50K पूरे हो जाएंगे और गिव अवे का अनाउंसमेंट कर देंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ अली अब्बास मासिक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।